हाय दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरी मम्मी क्या बनाएगी वो फिर से आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो है कि आज मेरी मम्मी जंगली कोचू बनाएगी। ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि जंगली कोचू खाया नहीं जाता, लेकिन जंगली कोचू खाया जाता है, हम लोग खाते हैं। और मेरी मम्मी ने बोला है आज बनाएंगे जंगली कोचू। तो दोस्तों अभी देखते हैं मम्मी क्या कर रही है उस रूम में चल के। तो दोस्तों देखते हैं मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो दोस्तों अभी मेरी मम्मी पापा के लिए रोटी बना रही है, देख सकते हैं। तो अभी रोटी बनाने के बाद मेरी मम्मी जाएगी कोचू काटने के लिए, फिर आपको भी दिखाऊंगा कि मेरी मम्मी जो कोचू काटती है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कोचू लाने, मैं और मेरी मम्मी। तो देखते हैं मेरी मम्मी कहाँ से कोचू लेती है आज। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम जंगल पे आ चुके हैं, क्योंकि जंगली कोचू सिर्फ जंगल पे ही मिलता है, इसलिए हमें जंगल पे आना पड़ा जंगली कोचू लेने के लिए। देख सकते हैं अभी मेरी मम्मी जंगली कोचू काट के ले रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी ने अभी जंगली कोचू काट के ले चुकी है और नीचे रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी कोचू लेके जा रही है अब घर में। तो दोस्तों देखिए मेरी मम्मी कितने तेज़ी से अभी कोचू काट रही है। बहुत सारा कोचू काट भी लिया और भी बहुत सारा बाकी है वो काट रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मम्मी ने कितना सारा कोचू काट के अभी ले चुकी है। अब धीरे धीरे बनाएगी मेरी मम्मी बैगन से। और मेरी मम्मी अभी बोली नहीं है कि बैगन से किसका सब्जी बनाएगी, खीरा से भी कुछ सब्जी बनाएगी। खीरा काट के ले रही है धीरे धीरे, ये देख सकते हैं। और खीरा से क्या सब्जी बनाएगी वो भी नहीं बोली, बोली है कि जब बनाऊंगी तब देख लेना। अभी दोस्तों मेरी मम्मी खीरा से क्या सब्जी बनाएंगी वो आप लोगों को दिखाऊँगा। देखिए मेरी मम्मी कैसे कोचू धो रही है, अभी बना लेगी। तो दोस्तों देखिए मम्मी ने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। देखिए दोस्तों मम्मी क्या क्या डाल रही है कढ़ाई पे। और दोस्तों मम्मी ने पांच फोरन भी डाल दिया अब। और दोस्तों अब मम्मी धीरे धीरे कोचू भी डाल रही है। मिर्चा और आधा, ये हल्दी, ये रही जीरा, ये है नमक। तो दोस्तों मम्मी ने हल्दी जीरा और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा चीनी। अब दोस्तों थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देगी मम्मी। देख सकते हैं दोस्तों मम्मी ने ढक्कन उठा दिया है, पर अभी भी ये हुआ नहीं है, इसे बहुत टाइम तक सुखाना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा बादाम भी डालना पड़ता है कोचू के सब्जी के ऊपर। तो दोस्तों अभी बादाम भी डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों अभी ये कोचू का सब्जी बन चुका है पूरा, अभी मम्मी इसको उतार लेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मम्मी ने कढ़ाई से लेकर बाटी पे पूरा ले लिया है। देखिए दोस्तों मम्मी बिना तेल का सब्जी बना रही है अभी। जो मम्मी ने बोला था बैगन का सब्जी बनाएगी, वो असली में चुटकी और बैगन से बनाएगी। पहले मैंने चुटकी और बैगन का चटनी दिखाया था, इस बार मैं सुखी और बैगन का सब्जी दिखाऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल बिना तेल से बनता है ये सब्जी। तो दोस्तों इसमें डाल दिया सुखी, अब दे रहे हैं मिर्चा। तो दोस्तों अब दे दिया हल्दी, और दोस्तों अब दे दिया थोड़ा नमक। और दोस्तों अब बाकी बैगन ऊपर से डाल, से पकने के लिए छोड़ देगी। तो अभी थोड़ा पक चुका है सब्जी और बैगन का पूरा खुशबू आ रहा है अच्छा अच्छा तो दोस्तों अभी मम्मी थोड़ा सा पानी डाल रही है।
अभी मम्मी प्याज लहसुन दे रही है। तो दोस्तों देखिए मम्मी ने अभी बैंगन का सब्जी उतार लिया है और देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो सब्जी है ये बिना मिर्चा का, सिर्फ एक मिर्चा ही दिया जाता है वो भी सूखा वाला, और एक भी मिर्चा और कोई भी मसाला नहीं दिया जाता, ऐसे बिना मसाला और बिना मिर्चा का बनता है ये सब्जी। बस तेज पत्ता और थोड़ा सा सरसों और एक मिर्चा दिया जाता है। तो दोस्तों ये एकदम हल्का सब्जी है, ये सिर्फ खीरा और पपीता का बनता है, और ये एकदम हल्का सब्जी है, जिनको बुखार है या जिनका पेट खराब है उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। और दोस्तों इसमें सिर्फ हल्दी और नमक और अब थोड़ा सा ढक के रख दे। ये हो चुका है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा पानी दे देंगे। अदरक दे रही है मम्मी, अब थोड़ा बॉयल करके उतार लेगी अदरक देने के बाद। तो दोस्तों देखिए सब सक रहा है और अभी खाना खा लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग तो देख ही लिए हो कि सब्जी सब कुछ बन चुका है, और ख़ास बात जो आप लोग को अच्छा लगे ये सब्जी तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और तो ये वीडियो ही ख़त्म करते हैं खाना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो बाय।